Hello everyone, myself Dr. Swapna Soni. I'm assistant professor at R.N. Kapoor Memorial Homeopathic Medical College, Indore. So today's topic is spleen. Contents are introduction, function, location, size and shape, measurement, position, external feature, relation, arterial supply, venous drainage, lymphatic drainage, nerve supply, segment of the spleen, development, accessories, spleen, histological of the spleen. Now come to the topic. So what is spleen? Synonyms: spleen in Greek language and lean in Latin. Introduction: the spleen is the largest lymphoid organ in the body. Spleen ek largest lymphoid organ hai body ka, जिसको हम बोल सकते हैं हीमोलिम्फोइड ऑर्गन. फंक्शन: देयर आर थ्री मेन फंक्शन ऑफ द स्प्लीन. टू फिल्टर ब्लड बाय रिमूविंग वॉर्न आउट द आरबीसी एंड माइक्रोबियल एजेंट फ्रॉम द सर्कुलेशन. ये सर्कुलेशन से पुरानी आरबीसी एंड द माइक्रोबियल एजेंट को बाहर निकाल के ब्लड में फिल्टर करता है. टू मैन्युफैक्चर आरबीसी इन फीटल लाइफ एंड लिम्फोसाइट आफ्टरवर्ड. ये आरबीसीज को फीटल लाइफ में बनाता है और लिम्फोसाइट्स को आफ्टर बर्थ बनाता है. टू प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द बॉडी बाय प्रोड्यूसिंग इम्यूनोग्लोबिन बाय प्लाज्मा सेल्स. ये स्प्लीन में जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं उसमें आईजीएम के थ्रू बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं. टू स्टोर आरबीसी एंड रिलीज देम इन सर्कुलेशन व्हेन रिक्वायर्ड. ये आरबीसी को स्प्लीन जो होती है वो आरबीसी को रिलीज देम इन सर्कुलेशन व्हेन रिक्वायर्ड. स्टोर करके रखती है आरबीसी को और रिलीज करती है कब, जब सर्कुलेशन में हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है. नाउ कम टू द लोकेशन. सी व्हाट इज द लोकेशन. द लोकेशन ऑफ द स्प्लीन इज द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम. दिस पार्ट इज द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम. बिटवीन द फंडस ऑफ द स्टमक एंड द डायफ्राम. कहाँ पे हो रही है ये स्प्लीन? ये है द फंडस ऑफ द स्टमक ये है, एंड डायफ्राम इसके बीच में स्प्लीन ये प्रेजेंट होती है. इट लाइज बिहाइंड द मिड एक्सिलरी लाइन अपोजिट द 9, 10th एंड 11th रिब. ये कहाँ लाइज करती है? जो मिड एक्सिलरी लाइन होती है उसके 9, 10th एंड 11th रिब के अपोजिट ये लाइज करती है. इट्स लॉन्ग एक्सिस लाइज पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द 10th रिब. ये इसके जो लॉन्ग एक्सिस हैं वो 10th रिब के पैरेलल प्रेजेंट होते हैं. ये 10th रिब, ये इसके लॉन्ग एक्सिस जो है वो 10th रिब के पैरेलल में प्रेजेंट होता है. शेप, साइज एंड कलर. द स्प्लीन इज अ वेज शेप सॉफ्ट ऑर्गन विथ पर्पल इन कलर. सी दिस शेप इज अ वेज शेप एंड दिस इज वेरी सॉफ्ट एंड पर्पल इन कलर. द साइज ऑफ द स्प्लीन रफली करस्पॉन्ड टू द फिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट. सी this is the fist and roughly correspond to the fist of the subject. Measurement of the spleen are thickness 1 inches, breadth 3 inches, length 5 inches and weight 7 ounces. Thickness, see, suppose this is the spleen and thickness kitni hogi? This is the thickness 1 inches, breadth ye breadth hai ye kitna hoga 3 inches, length kitni hogi 5 inches और वेट कितना होगा 7 ounce in weight. The hairiest dictum of odd number 1, 3, 5, 7, 9, 11 summarize some splenic statistics. It measures 1 inches in thickness, 3 inches in breadth, 5 inches in length and the 7 ounce in weight. तो हैरिस डिक्टम ने एक odd number 1, 3, 5, 7 and 9, 11 को summarize किया है जिसको हम splenic statistic कहते हैं. हैरिस डिक्टम ने इसको एक नेम दिया है स्प्लीनिक स्टैटिस्टिक. उसमें क्या ऑड नंबर्स आते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड ऑड. ठीक है, तो हम इसको कैसे समझाएंगे? क्या बोल रहे हैं वो? इट मेजर 1 इंचेस इज थिकनेस. 1 का मतलब क्या है? 3, 5, 7 सबका क्या मतलब है? इट मीन्स 1 इंचेस इन थिकनेस, 3 इंचेस इन ब्रेथ एंड द 5 इंचेस इन लेंथ एंड द 7 औंस इन वेट. And it lies deep to the 9, 10th and 11th. पीछे मैंने बताया था कि ये कहाँ lies करती है? Mid axillary line में, जो 9, 10th and 11th rib होती है उसके behind में ये lies करती है. तो ये सारे odd number Harris dictum ने हमें दिए हैं. Position of the spleen. The spleen lies obliquely along the long axis of 10th rib. See, this is the spleen, है ना?
और एंड ये ऑब्लिकली लाइज करेगी 10th रिब के. दिस इज इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड फॉरवर्ड, डाउनवर्ड है फॉरवर्ड है एंड द लेटरली. स्प्लीन मेकिंग एन एंगल ऑफ द अबाउट 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन. स्प्लीन हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक एंगल बनाती है 45 डिग्री का. दिस सी दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस लाइन इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन और स्प्लीन एक एंगल बना रही है 45 डिग्री का. स्प्लीन मेकिंग एन एंगल ऑफ द अबाउट 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन. Come to the external feature. The spleen present the following external feature. It has two ends, three borders, two surfaces, two angles and the hilum. Two ends kaun sa hai? Anterior and posterior. Three borders kya kaun kaun sa hai? Superior border, inferior border and the intermediate border. Two surfaces kaun kaun sa hai? Diaphragmatic and the visceral surfaces. Two angles kaun kaun sa hai? Anterior basal and the posterior basal. And next to the hilum. एंटीरियर एंड, सबसे पहले हम बात करते हैं एंड की. तो एंटीरियर एंड किसको बोलते हैं हम? एंटीरियर एंड इज द ऑल्सो कॉल्ड इज लेटरल एंड, लोअर पोल एंड इज वेरी ब्रॉड एंड इज अ मोर लाइक अ बॉर्डर. सी सी द पिक्चर, दिस इज द एंटीरियर एंड. इट इज अ मोर लाइक अ बॉर्डर. इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड फॉरवर्ड एंड टू द लेफ्ट. पोस्टीरियर एंड, दिस पार्ट इज द पोस्टीरियर एंड. Posterior end is also called as medial end. Upper pole is blunt and the rounded. See the picture. This is the blunt and the rounded. It is directed upward, backward and the medially. It is related to the upper pole of the left kidney. Now come to the borders. Superior border. This is the superior border. It's completed this up. Superior border. The superior border is thin and convex. It separates the visceral surface, gastric impression from the diaphragmatic surface. ये separate करता है visceral surface को diaphragmatic surface. Intermediate border. यहाँ एक border present होता है, उसको हम intermediate border कहते हैं. It is rounded and is directed to the right. Inferior border. Inferior border. This border is the inferior border. Separate the visceral surface from the diaphragmatic surface. जो superior border काम कर रहा था वही inferior border काम कर रहा है. ये क्या करता है? Diaphragmatic surface को visceral surface से separate करता है. And it is rounded and correspond to the lower border of the 11th rib. So come to the surface. Diaphragmatic surface. The diaphragmatic surface is smooth, convex. And directed upward, backward, and to the left. Visceral surface. The visceral surface is concave, irregular, and it present four impressions. These are gastric impression, renal impression, colic impression, and the pancreatic impression. The gastric impression is produced by the fundus of the stomach. गैस्ट्रिक इंप्रेशन यहाँ होता है और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? फंडस ऑफ द स्टमक. फंडस ऑफ द स्टमक मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था स्टमक में कि एक डोम शेप पार्ट होता है स्टमक का. तो यहाँ पे गैस्ट्रिक इंप्रेशन प्रेजेंट होता है फंडस ऑफ द स्टमक में. एंड दिस इज द लार्जेस्ट इंप्रेशन. दिस इज द लार्जेस्ट इंप्रेशन. दिस इज द लार्जेस्ट इंप्रेशन लाइज बिटवीन द सुपीरियर एंड द इंटरमीडिएट बॉर्डर. सी दिस इज द सुपीरियर बॉर्डर एंड दिस इज द इंटरमीडिएट बॉर्डर. इन दोनों के बीच में गैस्ट्रिक इंप्रेशन लाइज करता है. द रीनल इंप्रेशन. दिस इज द रीनल इंप्रेशन. इट इज प्रोड्यूस बाय द लेफ्ट किडनी से प्रोड्यूस होता है. इट लाइज बिलो एंड बिहाइंड द गैस्ट्रिक इंप्रेशन बिटवीन द इंटरमीडिएट एंड द इंफीरियर बॉर्डर. ये है इंफीरियर बॉर्डर. दिस लाइन इज द इंफीरियर बॉर्डर और दिस इज द इंटरमीडिएट बॉर्डर. तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? रीनल इंप्रेशन इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है. Renal impression, intermediate and the inferior border के बीच में present होता है. Colic impression. This is the colic impression. This part is the colic impression. It's produced by the left colonic fraction. It is triangular in shape. See the shape. It is triangular in shape and situated in front of the lateral end. Pancreatic impression.
This impression is the pancreatic impression. It is produced by the tail of the pancreas. It is located between the hilum and the colic impression. ये है hilum. This part is the hilum और ये है colic impression. तो इन दोनों के बीच में ये present होता है. Now come to the angles. Anterior vessel angle. It is the junction of the superior border. ये रेड साइन है ना, ये है एंटीरियर वेसल एंगल. इट इज द जंक्शन ऑफ द सुपीरियर बॉर्डर. ये पूरा सुपीरियर बॉर्डर है और ये इसका जंक्शन है विद लेटरल और एंटीरियर एंड. इट इज द मोस्ट फॉरवर्ड प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ द स्प्लीन. द स्प्लीन इज इनलार्ज्ड एंड इट इज फेल्ड सो फर्स्ट. सो दिस इज कॉल्ड एज क्लिनिकल एंगल ऑफ द स्प्लीन. जब कभी भी स्प्लीन एनलार्ज्ड होती है तो वो हमें सबसे ज्यादा इजिली फील हो जाती है, इसलिए इसको हम कहते हैं क्लिनिकल एंगल ऑफ द स्प्लीन. पोस्टीरियर वेसल, दिस साइन इज फॉर पोस्टीरियर वेसल एंगल. जंक्शन ऑफ द इंफीरियर बॉर्डर, दिस बॉर्डर इज द इंफीरियर बॉर्डर और ये इंफीरियर बॉर्डर के जंक्शन पे होता है एंड विद द लेटरल एंड एंटीरियर ऑफ एंड ऑफ द स्प्लीन. हाइलम, हाइलम यहाँ होता है. हाइलम लाइज बिटवीन द सुपीरियर एंड द इंटरमीडिएट बॉर्डर. ये है सुपीरियर बॉर्डर और मैंने ये बताया था ये है इंटरमीडिएट बॉर्डर. तो इसके बीच में ये हाइलम प्रेजेंट होता है. इट इज पियर्स बाय द ब्रांचेस एंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ द स्प्लीनिक वेसल्स. नाउ कम टू द रिलेशंस, पेरिटोनियल रिलेशंस. द स्प्लीन इज कंप्लीटली एनक्लोज्ड इन द पेरिटोनियम एक्सेप्ट एट इट्स हाइलम. जो स्प्लीन है वो कंप्लीटली एनक्लोज्ड होती है पेरिटोनियम से. ये स्प्लीन है, दिस पार्ट इज द स्प्लीन. ये चारों तरफ से पेरिटोनियम से कवर्ड होती है एक्सेप्ट द हाइलम. एक्सेप्ट द हाइलम, दिस पार्ट इज द हाइलम. ये चारों तरफ से पेरिटोनियम से कवर्ड होगी एक्सेप्ट दिस पार्ट, एक्सेप्ट द हाइलम. वेयर टू पेरिटोनियल फोल्ड्स एक्सटेंड, वन टू द स्टमक एंड वन फ्रॉम द लेफ्ट किडनी. दैट्स कॉल्ड गैस्ट्रिस गैस्ट्रोस्प्लीनिक एंड द लीनोरीनल लिगामेंट. ये है गैस्ट्रो स्प्लीनिक लिगामेंट एंड दिस इज फ्रॉम द लीनोरीनल लिगामेंट. एक होता है कहां से होता है, वन फ्रॉम द स्टमक एंड वन फ्रॉम द किडनी. ये एक होता है स्टमक से एंड एक होता है किडनी से. गैस्ट्रो स्प्लीनिक लिगामेंट एक्सटेंड, गैस्ट्रो स्प्लीनिक लिगामेंट एक्सटेंड फ्रॉम द हाइलम ऑफ द स्प्लीन टू द अपर वन थर्ड ऑफ द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक. It contains short gastric vessels. Linorenal ligament. This is the linorenal ligament. It comes from the left kidney. It extends from the hilum of the spleen to the anterior surface of the left kidney. It contains tail of the pancreas. See, this is the tail of the pancreas and the splenic vessels. This is the splenic vessel and the pancreatosplenic lymph nodes. This is the pancreatosplenic lymph nodes. Now come to the visceral relation. Visceral surface की बात करते हैं. Visceral surface of the spleen is related to the following viscera, fundus of the stomach. ये following viscera इसमें मिलेंगे. क्या मिलेगा? Fundus of the stomach, anterior surface of the left kidney, left colic flexure, tail of the pancreas. हम इस pictures में देख सकते हैं क्या क्या मिलेगा spleen में. Left splenic flexure of the colon, tail of the pancreas, left kidney, spleen, splenic vein, pancreas, splenic artery, and the left suprarenal gland. Diaphragmatic surface. The diaphragmatic surface of the spleen is related to the diaphragm, which separates it from the costophrenic recess of the pleura, lung, and the 9th to 11th. जो diaphragmatic surface होता है spleen का वो related होता है diaphragm से, जो कि सेपरेट करता है एक दूसरे से. सो सी दिस लाइन इज द डायफ्राम. ये देखते हैं आप, ये लिखा है डायफ्राम. ये है स्प्लीन और ये है डायफ्राम. ये एक दूसरे को अलग करते हैं, लंग्स को अलग करते हैं, प्लूरा को अलग करते हैं, कॉस्ट्रो डायफ्रामेटिक रिसेस ऑफ प्लूरा को सेपरेट करेंगे. 9th, 10th, 11th रिब को एक दूसरे से ये सेपरेट करते हैं. नाउ कम टू द आर्टेरियल सप्लाई. The spleen is supplied by the splenic artery. जो spleen है वो किसे supply करती है? Splenic artery. The largest branch of the celiac branch.
ये है सीलेक्ट्रम, इसकी जो सबसे लार्जेस्ट ब्रांच है वो ये है, पिक्चर में आप देख सकते हैं लार्जेस्ट ब्रांच, दिस मीन सप्लाइड बाय द स्प्लीनिक आर्टरी, द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ द स्प्लीनिक ट्रंक. इट ट्रांसफर्स थ्रू द लीनियो रीनल लिगामेंट टू रीच नियर द हाइलम ऑफ द स्प्लीन वेयर इट डिवाइड्स इनटू द फाइव और मोर ब्रांचेस व्हिच एंटर्स द स्प्लीन थ्रू इट्स हाइलम टू सप्लाई ब्लड. Now come to the venous drainage. Venous blood from the spleen is drained by the splenic vein. The venous blood from the spleen, जो venous blood होता है spleen का वो drain होता है splenic vein के through, यहाँ से, which is formed at the hilum. ये है hilum. यहाँ पे जो form होता है by the union of five or more tributaries. यहाँ पे इसकी tributaries होती हैं hilum की, है ना? And which emerges from the splenic substance में emerge हो जाता है. The splenic vein runs a straight course. जो splenic vein है यहाँ से एक straight course run करता है. यहाँ से एक straight course run करता है. From the left to right behind the body of pancreas. ये है body of pancreas. इसमें यहाँ पे इसके left to right में rise करता है. Behind the neck of the pancreas, it joins the superior mesenteric vein. To form the portal vein behind the neck of the pancreas. इसके behind में ये mesenteric vein behind the neck of the pancreas join the superior mesenteric vein to form the portal vein. यहाँ पे ये portal vein बना रहा है. Its tributaries are short gastric vein, left gastroepiploic vein, inferior mesenteric vein, superior mesenteric vein. Now come to the lymphatic drainage. The splenic tissue proper has no lymphatic because this is also a lymphatic organ. That's why the splenic tissues proper has no lymphatics. The splenic lymphatics are confined to the its trabeculae, capsule and the visceral peritoneum. They drain along the splenic vessels into the pancreatoconial lymph node. Now supply. The spleen is supplied by the sympathetic fiber derived from the celiac plexus. This supply blood vessels and smooth muscles fiber present in trabeculae and the capsule segment of the spleen. The splenic artery within the spleen usually give two branches, superior and the inferior. See the picture. The splenic artery within the spleen, जो splenic artery होती है spleen में, वो हमें basically two branches provide करती. One is superior and the second one is the inferior. See, this one is the superior and the inferior. These branches usually do not anastomosis. ये जो branches हैं, वो आपस में anastomose नहीं करती हैं. And each branches supply its own segment. और ये जो दोनों branches हैं वो अपने अपने segment अलग बनाती हैं. Inferior और superior ये दोनों दोनों अपने segments अलग बनाती. This and avascular zone exists between these two territories. इन दोनों territories के बीच में एक avascular zone होता है. ये है avascular zone. The spleen present two segments, superior and inferior. Superior segment ये है superior segment और ये है inferior segment, separated by in a avascular plane, जो कि इससे avascular plane के through separated होता है, passing perpendicular to the long axis of the spleen. The knowledge of these vascular segment is essential for segmental research of spleen to preserve the splenic tissue if is required. Development. Spleen का development कैसे होता है? The spleen develops between the two layers of the upper part of the dorsal mesogastrium from a number of condensation of mesenchymal cells. See the picture. ये है dorsal mesogastrium, ना? ये है stomach. तो dorsal mesogastrium है. ये कहाँ present होता है? Basically ये stomach के पीछे present होता है. यहाँ इसको. Deep separate masses of mesenchymal cells fuse together to form the lobulated spleen. These separate masses of mesenchymal cells, ये separate होते हैं mesenchymal cell और मिलकर together ये lobulated spleen को form करते हैं. The notch on the superior border of the adult spleen indicated the lobulated
डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गन की बात करेंगे। जो सुपीरियर बॉर्डर होता है इसमें एक नॉच प्रेजेंट होती है, द नॉच ऑफ द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द एडल्ट स्पीन। बेसिकली एडल्ट स्पीन में सुपीरियर बॉर्डर में एक नॉच प्रेजेंट होता है, इंडिकेट करता है लोब्यूलेट को, इंडिकेट द लोब्यूलेटेड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गन। ये है स्प्लीन का ट्रांसवर्स व्यू, ये इंटरमीडिएट फॉर्म है, ये इसका मैच्योर फॉर्म है। तो इसमें कहाँ है डॉर्सल मेसोबेस्टियम, ये है क्योंकि स्टमक के बिहाइंड लाइज कर रहा है। ये स्प्लीन का इंटरमीडिएट फॉर्म है और ये स्प्लीन का मैच्योर फॉर्म है। एक्सेसरी स्प्लीन, द फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ स्प्लीन कुलाई रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्सेसरी स्प्लीन। अगर स्प्लीन एंड कुलाई का फेलियर ऑफ फ्यूजर होता है तो वहां पर एक एक्सेसरी स्प्लीन फॉर्म हो जाती है। दीज आर यूजली फाउंड इन द डेरिवेटिव्स ऑफ द डॉर्सल मेसोबेस्टियम। जो डॉर्सल मेसोबेस्टियम में एक्सेसरी जो फॉर्म हो रही है वो डॉर्सल मेसोबेस्टियम में कहाँ मिलेगी, इन द गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट में मिलेगी, इन द लिनोरीनल लिगामेंट में मिलेगी, इन द ग्रेटर ओमेंट्रम में मिलेगा। रेयरली दे आर फॉर्म द लेफ्ट स्पर्मेटिक कॉर्ड, अगर मेल है तो वो लेफ्ट में स्पर्मेटिक कॉर्ड में मिलेगा, एंड इन द ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस, अगर फीमेल है तो वो ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस में मिलेगा। Now come to the histology of the spleen. Capsule. See the picture. This is the capsule. See, Malpighian corpuscular with eccentric arteriole. This is the radpulp kind. ये है radpulps. Trabeculum with arteriole. ये picture में आते हैं. और व्हाइट पल्स के दर है, ये है व्हाइट पल्स। नाउ द स्प्लीन इज फिनिश्ड, थैंक यू वेरी मच। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पैंक्रियास।